हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 30 अप्रैल से 8 मई तक के पूरा वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा या इमिग्रेशन का जो भी काम है या फिर आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना है, ये सारे काम यहाँ पर बंद रहेंगे। यानी कि आने वाली हैं ईद की छुट्टियाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि सामने ही हैं ईद, और ईद की छुट्टियों के कारण यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ पे वीज़ा का काम होता है, इमिग्रेशन का काम होता है, वो पूरा बंद रहेगा। तो ये जो बंद रहेगा वो 30 तारीख से ही बंद हो जाएगा, सैटरडे संडे, और अगर आप शारजा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर फ्राइडे से ही बंद हो जाएगा, यानी कि 29 से, और फिर से वर्किंग डे चालू होगा 9 मई से। यानी कि इतने दिन ये जो ऑफिसेज हैं ये पूरे यहाँ पे बंद रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज सारे यहाँ पे बंद रहेंगे, सारे काम भी बंद रहेंगे, और मेनली जो इमिग्रेशन का काम है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। इसीलिए अगर आप यहाँ पे विजिट वीज़ा में हैं और आपके वीज़ा की वैलिडिटी इसी बीच में ख़त्म हो रही है तो आप अभी एक्सटेंड करवा लीजिए, वरना आपको फ़ाइन आएगा। जो लोग नया विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप या तो ईद के बाद अप्लाई कीजिए, नहीं तो बहुत दिन आपको वेट करना पड़ जाएगा। एप्लीकेशन अभी आपका डलेगा, उसके बाद कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू होगा 9 तारीख के बाद से। जो लोग वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या कंपनी अगर वर्क वीज़ा आपका अप्लाई करती है, वैसे तो मोस्टली कंपनी अभी वर्क वीज़ा किसी का अप्लाई नहीं कर रही है, और करेगी भी तो भी आपका वर्क वीज़ा इस बीच में नहीं आएगा। यानी कि अब जो भी प्रोसेसिंग होगी वीज़ा से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें होंगी ईद के बाद, यानी कि 9 मई से, सोमवार 9 मई से सारे प्रोसेस फिर से चालू हो जाएंगे। इतने दिन के लिए पूरा प्रोसेस बंद रहेगा, वीज़ा, इमिग्रेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे बंद रहेंगी। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी, और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।